भाई वो रुक जा भाई, टाइम शुरू कर दे दो बोलने से पहले, या आप टाइम का मेरे दो मिनट पहले लगे तो इन्होंने वहां असली सरकार की, वहां लोगों ने विरोध किया तो लोगों के ऊपर पुलिस ने विभिन्न धारा 307 379 बी के अंदर दिया, और जब गांव वालों ने दरखास्त दी उन गुंडे जो गौरक्षा के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। हद तो तब हो गई 28/1/2023 को वारिस सलोक फौज मोहम्मद गांव हुसैनपुर नहु का रहने वाला भिवाड़ी गया जो गाड़ी का काम करता है उसको मोनू मानेसर टीम ने सुबह 4:56 पे उठाया, खोरी तावड़ू के पास रखा, 2.5 घंटे पीटा, वहां 2 बार पीसीआर गई, वहां पुलिस वाले गए, किसी ने नहीं बचाया। उसके बाद 7:30 बजे ले जाते हैं उसको उठा के, वीडियो उसकी है मैं आपको दूंगा जिसमें वो भीख मांगता मुझको छोड़ दो, और बाद में 2 घंटे बाद उसको एक्सीडेंट में दिखा देते एक्सीडेंट में मौत हुई है। जब उनके पास ये लड़का था तो एक्सीडेंट कहां हो गया। मैं सरकार से मांग करता हूं एक कमेटी बना के उसके खिलाफ उनके खिलाफ 302 के तहत केस दर्ज किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। ये मोनू मानेसर दिखाता है, कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है, क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं। अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए इसकी प्यासी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा। इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। सभी को जय श्री राम। मैं ओगड़नाथ योगी करनाथ। एक मामला आया हुआ है मेवात का, जिसमें मेवात के जो विधायक है वो धमकी दे रहे हैं कि गोरक्षा दल वाले अगर मेवात में घुस गए तो उनको वापस नहीं जाने दिया जाएगा। मैं मेवात के जो विधायक है जो धमकी दे रहे हैं गोरक्षकों को, उस तक एक संदेश भेजना चाहता हूँ कि तेरी अगर माँ ने दूध पिलाया ना तो टाइम रख ले, गोरक्षा दल वाले टाइम से पहले तेरा पहुँच जाएंगे। और तू ये कह रहा है कि मोनू मानेसर अगर मेवात के अंदर घुस गया तो उसको वापस नहीं जाने दिया जाएगा, अगर उसका तेरा आमना सामना होगा तो पैंट के अंदर पेशाब कर देगा। मैं उस विधायक तक के संदेश भेजना चाहता हूँ जो विधायक वहाँ पे कह रहा है कि गोरक्षा दल वाले आ गए तो उनको वापस नहीं जाने दिया जाएगा, टाइम रख ले, जिस दिन टाइम रखेगा उस दिन टाइम पे वहीं मौके पे खड़े मिलेंगे तेरे को। ये वीडियो डाल के गोरक्षा दल वाले आ गए उनको वापस नहीं जाने दिया जाएगा, ये वायद की बात करना छोड़ दो, समय रख, वहीं टाइम पे होंगे, तेरी पैंट में से अगर मूत्र ना निकाल दे तो हम भी गोरक्षा दल के सेवक नहीं हैं, तो समय रखो, मौके पे वहीं पहुँचेंगे। अगर तेरी माँ ने असली दूध पिलाया तो टाइम बोल, वहीं मेवात में आएंगे मौके पे, देखेंगे तेरे अंदर कितना दम है। ये भड़काऊ भाषण दे के धमकाने की कोशिश मत कर, गोरक्षा दल ने कोई चूड़ियाँ नहीं डाल रखी, जो तू सोच रहा है कि गोरक्षा दल ने चूड़ियाँ डाल रखी हैं, टाइम रख, वहीं मौके पे आएंगे, तेरी माँ ने दूध पिलाया अगर अपने असली बाप का एक औलाद है तो। और समस्त समाज से मैं कहना चाहूँगा कि गोरक्षा दल गया सभी समाज एकत्रित होकर खड़ा हो, आज गोरक्षा दल के ऊपर भी विपदा आई है कल को आपके ऊपर भी आ सकती है। तो मैं समस्त समाज से ही निवेदन करना चाहता हूँ कि समस्त समाज एक होकर गोरक्षा दल के साथ खड़ा हो, और इन जो मेवात के टुच्चे विधायक वहां पे गलत बयानबाजी कर रहे हैं इनको मुंह तोड़ दबाव दिया जाए। सभी सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।